हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो ना जी? तो देखिए, ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि नाइन्थ क्लास की स्टार्टिंग में बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि 8th के बाद 9th में आप जाते हैं तो होता क्या है कि थोड़ा सा सिलेबस भी बढ़ जाता है, थोड़ा डर रहता है कि कैसे क्या होगा। और जहाँ रही बात मैथ की, तो मैथ में प्रूविंग वाले क्वेश्चन और ज्योमेट्री पोर्शन बच्चों का इतना उनको डराता है कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। तो खैर, डरना नहीं है, मैं आपके साथ पूरी तरह से हूँ। और जहाँ कहीं पे भी मेरी हेल्प की आवश्यकता हो, आप तुरंत बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बस डरना नहीं है। और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस का क्या, कैसा पैटर्न होता है, कैसा कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, एक्सरसाइज 6.1 सॉल्यूशन पे लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे, तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। चाहे प्रूविंग का क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, सबसे पहला टारगेट आपका, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझने का प्रयास करना है कि उसमें क्या गिवेन है। तो देखिए, इन फिगर इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, इन फिगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। देखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड ये इक्वल है, और आपको बताना है कि ये एक लाइन है। बच्चों, लाइन के ही प्रॉपर्टी क्या पढ़ा आपने? लाइन से रिलेटेड एक दो वर्ड स्ट्रेट एंगल पढ़े। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो सीधी रेखा पर बनाओ, और 180 डिग्री का एंगल। एक अभी आप लोगों ने लीनियर पेयर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है? ऐसे टू एंगल्स जो सीधी लाइन पर बने हों और उनका सम क्या हो? 180 डिग्री। जिनका सम 180 डिग्री हो वो लीनियर पेयर होते हैं। तो यहाँ वर्ड आया है कि ए ओ, अच्छा नहीं लिखा मैंने, ये है ओ, ए ओ बी एक लाइन है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में तुरंत से शुरू नहीं कर देना कि कूद पड़ना है, सॉल्यूशन को देखकर एकदम डट गए। उसमें थोड़ा सा आपको पैटर्न फॉलो करना है। अगर आपको अपने मार्क्स अच्छे, आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को पैटर्न के आधार पर करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले आपको लिखना है गिवेन। गिवेन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। फिर आपको लिखना है टू प्रूफ। ये काम बेटा हर प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में आप करोगे। टू प्रूफ क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है? देखो, प्रूफ दैट ए ओ बी इज अलाइन, तो ये लिख लो, ए ओ बी इज अलाइन। फिर टू प्रूफ के बाद क्या बचता है? बचता है आपके पास प्रूफ या प्रूव। बच्चों, इसी को हिंदी में आप लोग, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखोगे? गिवेन को लिखोगे ज्ञात है, टू प्रूफ मीन्स सिद्ध करना है, और प्रूव मीन्स उत्पत्ति। यहाँ से आप प्रूफ दे रहे हो। तो देखिए, अब आगे क्या करना है? इतना करने के बाद अब अपनी कॉपी पेन यहीं रख दो, यहीं रख दो चुपचाप, और खाली देखना है, बार बार देखना है, और मेरी बात पकड़ने का प्रयास करना है। चलिए देखिए, ये गिवेन है y प्लस एक्स इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये पता है। अच्छा, ये बताओ, जैसे ये कोई पॉइंट है, सुन रहे हो ना, दिख रहा है पॉइंट? ये कोई पॉइंट है, इसके चारों ओर अगर ये सर्किल बनता है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा इस पर? पूरा एक सर्किल कंप्लीट कितने डिग्री का होता है पता है ना? 360 डिग्री। ये पूरा सर्किल 360 डिग्री पर बनता है। तो ज़रा देखो, ये जो इस पॉइंट के ऑल अराउंड एंगल्स बने हैं, ये भी तो 360 डिग्री के, इनका सम इन 360 होगा। तो देखिए, आपको लिखना है एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। कोई आपसे पूछता है क्यों, तो रीज़न बता पाओगे ना? एक कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री एंगल बनाता है, एक कंप्लीट सर्किल पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए,
एक्स प्लस वाई डब्लू प्लस जेड इनकी वैल्यू गिवन है, ये इक्वल है, तो x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख दें, हम w प्लस जेड लिख दें, w प्लस जेड प्लस w प्लस जेड इक्वल 360। आप देखिए ये और ये सेम है, 1w प्लस जेड या इनको आप जैसे भी जोड़ पाओ, तो मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ 2w प्लस जेड। भाई 1w प्लस जेड यहाँ है, 1 यहाँ है, जुड़ गए 2w प्लस जेड इक्वल टू 360। W प्लस जेड इक्वल टू 360 अपॉन 2 इक्वल 180 डिग्री। अरे ये क्या आ गया, ये आ गया W प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री आया मतलब ये जो एंगल बने हैं इनका सम क्या है, इनका सम क्या है 180। तो आपको देखना है कि यहीं से पता चल जाएगा कि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं। लिखिए देखिए, द सम ऑफ W प्लस जेड इज 180, सो ओ ए एंड ओ बी आर टू अपोजिट रेज, टू अपोजिट रेज एंड क्या AOB इज लाइन दिख रहा है नीचे, देख लो ये क्या, द सम ऑफ W प्लस जेड इज 180 डिग्री, सो ओ ए एंड ओ बी आर टू अपोजिट रेज एंड ए ओ बी इज लाइन, हेंस प्रूफ। यहाँ लिख देना है प्रूफ। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया लेकिन मैं जानता हूँ अभी समझ में कुछ नहीं आया, नहीं आया ना, मुझे पता है आप को ये स्टेप समझ में आया, W प्लस जेड कैसे 360 आया, और इस वाले स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए और एक बार अपने मन से देखिए, देखने के बाद उसको लिख कर देखिए। मैं जब कहता हूँ देखिए तो बच्चे कहते हैं यस सर देख लिया, तो देखना नहीं होता उसको, आपको क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद लिखना है, देखने का मतलब लिखना होता है, पढ़ने का तो पढ़ना ही होता है जानते हो। तो इसको एक बार आप देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गिवेन है, इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, फिगर कहाँ है ये बना है छोटा सा, मैंने छोटा बनाया आप थोड़ा सा बड़ा बना लेना। पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू लाइन यानी कि ओ पी और ओ क्यू अपोजिट रे, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, ओ आर परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। परपेंडिकुलर का मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन्स ऐसी लाइन्स होती हैं जो एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करके 90 डिग्री एंगल बनाती है। मेरा कहने का मतलब नहीं समझे, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये एक लाइन है और ये एक ऐसी लाइन है, ये इस पर परपेंडिकुलर हम कह सकते हैं, कब, जब यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये तो 90 डिग्री नहीं है भाई, है क्या, नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं कहलाएंगे। परपेंडिकुलर समझ गए, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते समय 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वो लाइंस परपेंडिकुलर कहलाती हैं। हिंदी में इसी को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, लंब, ठीक है। अब पी ओ क्यू ओ आर और ये ओ एस आगे पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर इसका मतलब समझ पाए आप लोग, परपेंडिकुलर और पी क्यू परपेंडिकुलर है। ओ एस इज एन अदर रे, ओ एस ढूंढो कहाँ है जल्दी से पटाक से, नीचे नहीं ढूंढना बोर्ड में ढूंढना है, ओ एस कहाँ ये है, ओ एस इज एन अदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी, ओ एस इज एन अदर रे इसका मतलब ओ एस कोई दूसरी रे है लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच आई है, चलो कोई बात नहीं आई है तो तू बनी रहने दो। प्रूव दैट, अब इसमें भी कह दिया प्रूव दैट, तो जहाँ वर्ड मिल जाए ज्योमेट्री में प्रूव दैट वाला, तो गिवन टू प्रूफ, प्रूफ
ये बिल्कुल आंख बंद करके सबसे पहले करना, गिवेन टू प्रूफ प्रूफ, तो प्रूफ दैट क्या है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। आप खाली ये जान पढ़ लो इसको कि क्या करना, बाकी मैं अभी करा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब होगा क्वेश्चन आपका, कब साल हो गया आपको नहीं पता चलने दूंगा, और समझ में भी आएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले तो गिवन नोट करो, गिवन गिवन में पी ओ क्यू इज ए लाइन और ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। देखिए पी ओ क्यू इज अ लाइन और फिर इसके बाद ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू। आप कहोगे ये क्या बना दिया सर, ये क्या बना दिया, ये परपेंडिकुलर का साइन है, जैसे एंगल आप लोगों ने पढ़ा था तो ऐसे बना देते हैं छोटा सा एंगल, तो ये इसका साइन हो जाता है। परपेंडिकुलर अभी ऐसे बताया था तो इसका छोटा सा प्रारूप बना दिया, तो ये इसका परपेंडिकुलर का साइन है। तो इसे आप लोग क्या पढ़ोगे, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, मतलब ओ आर लाइन जो है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल, अपने माइंड में सेट कर लो। अब देखिए इतना करने के बाद आपको लिखना है टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो गिवन है जो क्वेश्चन ने पूछा है वह लिख देंगे, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, गिवन टू प्रूफ, टू प्रूफ के बाद अब आप लोगों को प्रूफ देना, प्रूफ दे करके काम आपको चलाना। ठीक है, क्या करेंगे इतना पहले एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो तो समझ में आए क्या कैसा है, ले लिया। अब देखिए, अब मैं जो फिर से कॉपी पेन रख दो, कॉपी पेन रख के ध्यान से देखो, मैं जो लिख रहा हूँ उसको एक एक स्टेप को समझना है। अगर मैं आपके पास ये लिखूँ कि एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इक्वल 90 डिग्री, जरा देखो जल्दी से पढ़ो ये किस एंगल की बात कर रहा है, यहाँ पढ़ो समझो, देखना पी ओ आर, पी ओ आर ये वाले एंगल की, और आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये वाले एंगल बात कर रहा है ना, यही दो तो हैं, और मैंने अपने मन से लिख दिया 90 डिग्री। लिख दिया, क्यों लिखा, दिमाग लगाओ बताओ जल्दी से क्यों, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, इसके आगे कारण लिख दो, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ये रीजन हो गया, ओ आर पी क्यू पर लंब है इसलिए दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और इसीलिए इक्वल हैं। इतनी बात समझ में आई, अब देखते हैं पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। अब एंगल पी ओ आर कहाँ बना है, पी ओ आर जरा देखो, इसमें दो एंगल है पी ओ आर में, लिख दो कौन कौन से, एंगल पी ओ एस, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। देखो पी ओ एस और आर ओ एस दो एंगल हैं, ठीक है आगे। अब देखो इसी तरह आर ओ क्यू, आर ओ क्यू अगर जरा देखो इस एस वाली लाइन को भी इस आर ओ क्यू में मिला ले तो एंगल कौन सा बन जाएगा, क्यू ओ एस बन जाएगा। नहीं समझे अभी, अभी नहीं समझे, ये जो इस एंगल की बात करनी है आर ओ क्यू की, आर ओ क्यू की ये वाले की, ए इसकी बात करनी है यहाँ पे। अगर मैं ये कह रहा था कि अगर इसको ओ एस को इसमें मिला लें तो कोई दिक्कत, आप कहोगे कि क्यों मिला लें सर, हम नहीं मिलाएंगे। अरे भाई मिला लो, सबको साथ मिला जुला के चलना है जिससे कि तो किसी का कोई नुकसान ना हो, सब लोग जब मजबूत होकर चलेंगे तो सबका फायदा होगा, इस क्वेश्चन का भी होगा, तो चलो मिला लेते हैं।
क्या हो जाएगा जब इसको मिलाएंगे तो क्यू ओ एस बन गया। अब यहाँ आर ओ क्यू था, क्यू ओ एस लिख दिया, और क्यू ओ एस का देखो जरा इससे कितना जा क्या मिलाया था, ये वाला एंगल मिलाया था ना आर ओ एस, तो इसको माइनस यहाँ लिखेंगे एंगल आर ओ एस। अब आप कहोगे सर ये तो क्यू ओ एस की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप ज़बरदस्ती क्यों कर। है बेटा ज़रूरत है, आप को मैं बताता हूँ क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये क्यू ओ एस जो वर्ड है दिख रहा है, ये क्यू ओ एस जो वर्ड है ये पता है ये क्वेश्चन नहीं दिया है, तो इसलिए मिलाना जुलाना है आपको। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं करूँगा, परेशान मत हो, मैं सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा और जो आप लोगों को रिक्वायर है वो चीज़ें दूंगा। तो एंगल पी ओ एस आर ओ एस इक्वल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, ये माइनस क्यों किया समझ आया, क्योंकि आर ओ क्यू में ये मिलाया गया था। अब देखो इसको इधर भेज दो, ये दोनों साथी भाई भाई हैं, ये इधर माइनस में इधर प्लस में, तो और ये इसका कोई साथी नहीं, उधर भेजो भगाओ इसको। एंगल आर ओ एस पहले तो ये वाला फिर ये वाला प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, ठीक है। तो ये ऐड हो गए टू एंगल आर ओ एस इक्वल एंगल क्यू ओ एस, ये सॉरी ये जो तुम्हारा पी ओ एस इधर था प्लस में था इधर जाएगा माइनस में होगा बेटा, ये क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखिए एंगल आर ओ एस इक्वल टू वन बाई टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, दिख तो रहा ही होगा ये वन बाई टू का, अरे अब इतना तो समझ जाओ ये टू इधर अपॉन में आ गया। लो मैंने कहा था ना तुमको पता भी नहीं चलने दूंगा, क्वेश्चन साल हो गया चार लाइन, सिर्फ चार लाइन का ही सोल्यूशन है, ज़्यादा नहीं। देखो अब ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है, जैसे आपको मेरी ये वाली इस स्टेप की बात नहीं समझ में आई तो आप क्या करोगे, आप जब अपने वीडियो को रिमाइंड करके यहाँ पे फिर से आ जाओगे वो, तो फिर मैंने जैसे बताया था वैसे सुन लोगे, मेरी बात समझ में आई, तो देखिए देख लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का क्या है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री और वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई क्यू जेड वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करती मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती, बाइसेक्ट का मीन होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और डिवाइड करती है तो आपको देखना है कि अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा, x नाम यूज हो चुका है तो इसलिए आप इसका नाम k दे दो, के तो दोनों मिलके बन गए के, ठीक है। फाइंड क्या करना है एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल q, वेरी सिंपल, ये प्रूविंग का तो है नहीं, गिवन ट्रू प्रूफ लिखना नहीं, सीधा शुरू हो जाना है, लिखना है एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू, ये पी ऊपर खिसका दे रहे हैं, जेड वाई पी क्या है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये सीधी रेखा है और ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर को बच्चों आप लोग हिंदी में रैखिक युग्म लिखोगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 प्लस जेड वाई पी इक्वल टू 180, और ये 64 इधर आएगा तो जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64, जल्दी माइनस करो, जेड वाई पी इक्वल टू 10 में से 4 माइनस किया 6
और 7 से 6 माइनस किया 1, तो 116 आई किसकी वैल्यू, जेड वाई पी की, जेड वाई पी, तो 116 ये आया। तो जल्दी से बताओ एंगल कौन सा चाहिए, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये चाहिए। तो ये कैसे आएगा एक्स वाई जेड में, ये ऐड करने पर, तो के की वैल्यू क्या आई वो बताओ, क्यू वाई पी एंगल जेड, सॉरी क्यू वाई पी एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 1/2 एंगल जेड वाई पी, क्यों जेड वाई पी का आधा क्यू वाई पी, क्यों, क्योंकि ये गिवन है वाई क्यू बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, और बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है बच्चों, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब देखिए तो एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इक्वल टू 1/2 इंटू 116 इक्वल टू 58, ये आप लोग डिवाइड कर लेना, 58 आएगा। अब क्या चाहिए हमको, एंगल एक्स वाई क्यू, दिख रहा है या दिख रहा है, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू, तो ये मिलकर बना है एंगल एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या है जल्दी देखो, एक्स वाई जेड 64 डिग्री मिल गया, खो गया था, और जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये इक्वल हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, 58 डिग्री। रीज़न बताओ जल्दी, क्यों, क्योंकि जेड वाई पी, जेड वाई क्यू एंगल और एंगल क्यू वाई पी इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये वाई क्यू जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। तो ये ऐड कर लो, 8 4 12 की 2 कैरी 1, 6 5 11 और 1, तो 12 हो गया 122 डिग्री। अब क्या चाहिए, क्यू आई पी का रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ देख लो रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इक्वल टू 360 माइनस क्यू आई पी, रिफ्लेक्स जब भी पूछे 360 से माइनस करना है, क्यू आई पी क्या निकाला था, निकाला था 58 डिग्री, तो माइनस 58 360, तो 60 से 58 302, ये आंसर, और आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बच्चों आपको पूरा प्रयास करना है कि मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, तो उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करके लिख के ज़रूर करना है, ठीक है। मैं अपना पूरा माइंड पढ़ाने पे फोकस करूँगा, आपको पढ़ने पे करना है, और चैनल जो जैसा हो देख लेना, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब जो तुमसे हो सके, ठीक है।